मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों आज कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। बच्चों आज मैंने पुनः एक बार नाम अभिक्रियाओं को लिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाएं हैं आज के लिए भी बच्चों, जिनमें मैंने सबसे पहले आपके सामने नाम अभिक्रिया लिया हुआ रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया। बच्चों दूसरी मैंने आपके सामने ली हुई है स्टीफन अपचयन अभिक्रिया और तीसरी मैंने आपके सामने ली हुई है क्लेजन संघनन अभिक्रिया। बच्चों ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाओं में से एक हैं, काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। बच्चों अभिक्रियाएं काफी बार एग्जाम में आती हैं और लगातार ही पूछी जाती रही हैं, इसलिए इनके रासायनिक समीकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे ही इनका डेफिनेशन संदर्भित हो जाता है, निकल जाता है। बस आपको बहुत अच्छी तरह से अभिक्रियाओं को समझने की जरूरत है। तो बच्चों सबसे पहली अभिक्रिया मैंने आपके सामने ले रखी है, सबसे पहली अभिक्रिया है, ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने सबसे पहले लिया हुआ रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया। बच्चों यहां पर आप देखिए, सबसे पहला स्टेप नंबर वन में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक कंपाउंड लिया हुआ जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, और बच्चों इसको मैं नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहा हूं, और नवजात हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए मैंने यहां पर जो उत्प्रेरक इस्तेमाल किया हुआ है वो पैलेडियम प्लस जाइलीन है। बच्चों ये उत्प्रेरक है, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया का जो उत्प्रेरक है वो पैलेडियम प्लस जाइलीन है। हम जाइलीन को पहले गर्म करेंगे। बच्चों जब जाइलीन लगभग गर्म हो जाए उसमें पैलेडियम के क्रिस्टल डाल दीजिए। जैसे आप पैलेडियम के क्रिस्टल डालेंगे जाइलीन अपने में से हाइड्रोजन को उत्पन्न करने लगेगा, जो हाइड्रोजन अभिक्रिया में तुरंत बनेंगे उनको हम बोलेंगे नवजात हाइड्रोजन। बच्चों ये नवजात हाइड्रोजन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा, एसिटिल क्लोराइड से के एक सीएल से एक हाइड्रोजन क्रिया करके बच्चों अपने आप को एससीएल में बदल लेगा, जबकि जहां से क्लोरीन हटेगा उसके स्थान पर दूसरा जो हाइड्रोजन है वो आकर जुड़ जाएगा, और इस तरह से बच्चों आपको जो कंपाउंड है वो मिलेगा CH3CHO, और इस तरह से हमको सबसे पहले मेथिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। बच्चों ये अभिक्रिया, चूंकि रोजरमुंड अपचयन जो अभिक्रिया है ये केवल एल्डिहाइड को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है ना, तो इसके पहले पद में हमने एल्डिहाइड को बना तो लिया, लेकिन ये अभिक्रिया यहां पर रुकेगी नहीं, क्योंकि जो उत्प्रेरक हमने यहां पर इस्तेमाल किया है ये बहुत ज्यादा क्रियाकारी है, बहुत ज्यादा तीव्र है, और इसलिए ये लगातार हाइड्रोजन मुक्त करता जाएगा। तो अभिक्रिया अपने द्वितीय पद की तरफ अग्रसर हो जाएगी, और पहले पद में बनने वाली जो मेथिल एल्डिहाइड है बच्चों वो अतिरिक्त हाइड्रोजन से क्रिया करना स्टार्ट कर देगी। तो मेथिल एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है ना, तो क्रियात्मक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्विबंध टूटेगा, उससे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर और बच्चों एक हाइड्रोजन कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी, और जो आपका एल्डिहाइड है वो किसमें बदल जाएगा बच्चों, एल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये संभावना होगी कि जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में बदल जाएगा बच्चों, जबकि आप ध्यान रखिए कि जो रोजरमुंड अपचयन अभिक्रिया है ना रोजरमुंड, ये केवल एल्डिहाइड को बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, फिर ये एल्कोहल क्यों बना रही है बच्चों? यही एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि हमको एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने से क्या करना है, रोकना है। इसके लिए बच्चों हमने यहां पर अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट को उत्प्रेरक विष के रूप में प्रयोग किया हुआ है। यह क्या करेगा, यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा और हाइड्रोजन की उपलब्धता को सीमित कर देगा, और एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने से क्या कर देगा बच्चों, रोक देगा, और यह अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड बनाकर रुक जाएगी। इसीलिए हमने अभिक्रिया में क्या भी इस्तेमाल किया हुआ है, बेरियम सल्फेट जो कि उत्प्रेरक विष का काम करता है। ठीक है बच्चों, अगली अभिक्रिया जो मैंने आपके सामने ले रखी है वो है स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। बच्चों स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में मैंने यहां पर अभिकारक लिया है मेथिल साइनाइड। बच्चों मेथिल साइनाइड को मैं नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा हूं, और नवजात हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए मैंने SnCl2 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत किया, ये एज अ उत्प्रेरक इस्तेमाल होगा स्टीफन अपचयन अभिक्रिया में। बच्चों इनकी अभिक्रिया से जो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगी, तो साइनाइड समूह का एक पाईबंद टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा, जिससे एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा बच्चों पहले पद में, जबकि अभिक्रिया दूसरे पद में भी अग्रसर होगी। दूसरे पद में हम इसका निर्जलीकरण करा देंगे, इसमें अल्प मात्रा में जल मिला देंगे। बच्चों जैसे ही निर्जलीकरण की क्रिया होगी, NH वाला भाग जो है वो जल के हाइड्रोजन से क्रिया करके अपने आप को अमोनिया में बदल लेगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पर जाकर डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगी, और इस तरह से हमारा बच्चों जो मेथिल साइनाइड था वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से यह अभिक्रिया
स्टीफन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि साइनाइड समूह को किसमें बदलती है, एल्डिहाइड में बदलती है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि रोजरमुंड जो कि मैंने इससे पहले बताया था, और दूसरी ये स्टीफन, इन दोनों ही अभिक्रियाओं के द्वारा हम कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। ये दोनों ही अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड का निर्माण करती हैं, इनके द्वारा कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण पद अगली अभिक्रिया के लिए आ रहा है, और अगली अभिक्रिया हमारे पास है क्लेजन संघनन। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको संघनन अभिक्रिया के बारे में कुछ पिछली क्लासेस में बता रखा था, मैंने आपको बताया था संघनन क्या होता है। बच्चों संघनन एक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु क्रिया में भाग लेते हैं, और जब ये उत्पादक का निर्माण करते हैं तो बच्चों उत्पादक में कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन नए बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों आपको यह भी बताया था कि यह अभिक्रिया सदैव अनुत्क्रमणीय होती है, एक बार अगर अभिक्रिया संपन्न हो गई तो हम पुनः उससे अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ सरल उपजातों जैसे जल HCl C2H5 इत्यादि का निष्कासन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह अभिक्रिया बच्चों प्रतिस्थापन विलोपन और योगात्मक दोनों ही तरह से संपन्न होती है। तो बच्चों आज हमारे पास एक नाम अभिक्रिया के रूप में भी संघनन अभिक्रिया मौजूद है, और उसका नाम है क्लेजन संघनन। तो बच्चों क्लेजन संघनन अभिक्रिया में हमने सबसे पहले लिया हुआ एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड। बच्चों बेंजाल्डिहाइड को मैं मेथिल एल्डिहाइड के साथ अभिकृत कर रहा हूं, तो बच्चों बेंजाल्डिहाइड में CO समूह मेथिल एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा एक ऑक्सीजन, और वो सबसे पहले जल के अणु बनाकर निष्कासित हो जाएगा, निकल जाएगा। बच्चों जबकि ये कार्बन CH वाले कार्बन से केवल जुड़ जाएंगे, और इनके बीच में इस तरह से एक द्विबंध बनने की जो प्रक्रिया है वो स्थापित हो जाएगी, और जो कंपाउंड है वो बन जाएगा सिनेमिक अम्ल। तो बच्चों इस क्रिया में भी आप देख सकते हैं कि जो नया बंध है, जो नवीन बंध है, वो कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया संघनन की है। और उपजात अणु जैसे कि जल का निष्कासन हो रहा है, और ठीक है, तो ये अभिक्रिया संघनन है। बच्चों इस तरह से इस अभिक्रिया को क्लेजन नाम के वैज्ञानिक ने हमारे सामने प्रस्तावित किया, इसलिए हम इसको क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों होप सो, उम्मीद रखता हूं कि आपको आज की अभिक्रियाएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसी तरह की कुछ और भी इंटरेस्टिंग अभिक्रियाओं के साथ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।